वाह वाह। अभी आप सुन रहे थे जनाब कैसर साहब से उनकी बातें, ये बड़े अरमान लेके आए। और गजल लिखी नहीं जाती, वादा की जाती है, कही जाती। इश्क का नगमा जुनून के सांस पर गाते हैं हम, इश्क का नगमा क्या कहने, वाह वाह। जुनून के सांस पर गाते हैं हम, अपने गम की याद से पत्थर को पिघलाते हैं, क्या कहने, वाह वाह। बगैर अनाउंसर के अगर दुनिया का कोई प्रोग्राम हुआ हो तो आप हमें बता दीजिए, क्या कहने बाबा। अनाउंसर छोटा होता, ये बात सही है, ये भी सही है कि मैं आपको बता दूं, 21 शोरा की फहरिस्त मेरे पास लोकल है और 17 शोरा की बाहर है, 13 बाहर के शायर पढ़ चुके हैं, अभी तक लोकल सिर्फ 8 लोग पढ़े हैं। कहां किया है, क्या कहें, नासिक मुशायरा में कहां डंडी मारी है, बता दिया जाए। मिला जुला कर आप चल रहे, देखिए सीधी सीधी सी बात है, एक बार में एक को ही हम पढ़ाएंगे। हमसे कागर साहब ने कहा कि क्या मैं आप माइक से कह दीजिए कि लोकल शायर कम पढ़े, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। लोकल शायर भी अपने दिल में एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि इतना बड़ा मुशायरा मैं कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। क्या कह रहे, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पता ही इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि लोकल शायर कम पढ़े, उसका जितना दिल चाहे पढ़े, लोग वो भी शायर है, वो जो पाठ शायर है वो भी शायर है, शायर शायर बराबर होता है, लोकल रहे चाहे गैर मुल्क रहे, बिल्कुल। और मुकामी शोरा जी जो है वो फिर बैरूनी शोरा होते हैं। अगर मुकामी शोरा नाला साहब का साथ नहीं देंगे तो नाला साहब जितनी बड़ी महफिल नहीं सजा पाए, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल बिल्कुल। जब पहले हक होता है, जब महीने की निशस्त होंगी तो हम लोग आफ्ताब लाना नहीं आएगा आपके निशस्त, यही लोग आएंगे और यही आपकी कह रहे बाबा, बहुत बहुत तालियां आफ्ताब साहब के नाम से, जोरदार तालियां हो जाए। जिक्रे लगे साहिब से भी कुछ नहीं हासिल, कश्ती की खबर लीजिए तूफान बहुत है, क्या कहने बाबा। और आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब के नजामत में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे होते हुए देखे और कामयाब मुशायरे होते हुए देखे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है इस आफ्ताब के साथ। इमरान साहब आप इसके गवाह हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज तक किसी कन्वेनर को फोन नहीं किया, बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। और हिंदुस्तान का वो कौन ऐसा शहर है, कौन ऐसा स्टेट है जहां आफ्ताब राणा ने जाकर निजामत नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके मैं गवाह हूँ, आपके किले भी मैं जा चुका हूँ, बस फर्क ये है कि शायर की हैसियत से नहीं किया था, फिल्म डायरेक्टर की हैसियत से किया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप ही के बीच के एक बड़े मोहतबर शायर को आवाज देते हैं। कफुल भरा दानिश जी, खातून बाहर की हैं, 13 बाहर के लोग पढ़ चुके हैं, सब बाहर को ही पढ़ते हैं, नहीं खातून है तो सबसे पहले उन्हें पढ़ना जरूरी है। मैं आवाज दे रहा हूं, आहू की कोई गांव है, आहू